हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज जयश्री. होप यू ऑल आर फाइन. फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी एक होम रेमेडी जिससे आप काफ़ी हद तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं. साइड बाय साइड आप बैली फैट को रिमूव कर सकते हैं. गाइस, बैली फैट जो है वो बहुत ही गंदा लगता है, चाहे वो गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में हो. बैली फैट की वजह से आप अपने मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते, आप स्किनी कपड़े नहीं पहन सकते. सो गाइस, आज का जो मैं होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ वो आपके बैली फैट को काफ़ी हद तक रिमूव करेगा. विद इन अ वीक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. आपकी बैली को बहुत टोन करेगा और आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी रिमूव करेगा. सो गाइज, द होम रेमेडी इज टर्मरिक टी. एज यू ऑल नो, टर्मरिक हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, साइड बाय साइड हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है. गाइज, टर्मरिक जो होती है उसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और टर्मरिक के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं. गाइज, टर्मरिक जो है वो वेट लॉस का मेन इंग्रेडिएंट है. अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आप सिंपल वार्म वाटर में लेमन स्क्वीज करके आप टर्मरिक उसके साथ लेते हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक वेट लॉस हो जाएगा. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको टर्मरिक टी कैसे बनानी है. गाइज, पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि टर्मरिक टी जो है, अगर वो थायराइड वाले लेते हैं तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है अगर वो लोग भी इसको ट्राई करते हैं तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा. लेकिन वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको ट्राई करें. बाकी अगर किसी को वेट लॉस का प्रॉब्लम है या फिर किसी को बैली फैट रिमूव करना है तो उनके लिए तो ये सुपर्ब है. आप प्लीज़ इसको ट्राई करें और चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं. लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, हमें रेमेडी बनाने के लिए ये चार इंग्रेडिएंट चाहिए. काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून से भी कम आपको काली मिर्च पाउडर लेना है. ग्रेटेड जिंजर, आप छोटा सा एक जिंजर का पीस लेंगे, उसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं और या फिर आप उसको पेस्ट भी ले सकते हैं. हाफ टेबल स्पून आपको लेनी है सिनामन पाउडर, मतलब कि दालचीनी, और हाफ टेबल स्पून आपको लेना है टर्मरिक यानी कि हल्दी. गाइस, अच्छे से बॉईल करेंगे. अब बॉईल करने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने आपको चार इंग्रेडिएंट दिखाए थे आपको इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं. ये मैंने दालचीनी ऐड किया. उसके बाद आपको ऐड करना है टर्मरिक. उसके बाद आपको ऐड करना है ब्लैक पेपर, और उसके बाद आपको ऐड करना है जिंजर पाउडर. अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे. आपको इसको अच्छे से पकाना है, अच्छे से आप इसको बॉईल करेंगे. इसको कम से कम आपको 5 या 10 मिनट्स तक इसको अच्छे से बॉईल करना है. और बॉईल कर देखिए, अभी अच्छे से बॉईल हो रहा है. सो गाइस, मेरी टर्मरिक टी रेडी है, मैंने इसको छान लिया है. इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद आपको छानना है, और सुबह खाली पेट आपको इस ड्रिंक को पीना है, और रात को सोने से पहले आपको इस ड्रिंक को पीना है. ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है, और अगर आप इसको कंटिन्यू 1 हफ्ते तक पियेंगे तो आपका बैली फैट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा और आपकी बॉडी में जो भी एक्सेस फैट है ये उसको भी ख़त्म कर देगा. गाइस, टर्मरिक टी कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्पफुल होती है, और इसके अंदर जो हम जिंजर डालते हैं, जिंजर आपकी बॉडी में जो भी फैट होता है उसको ख़त्म करने का काम करता है. और डिप्रेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है टर्मरिक टी. और टर्मरिक टी आपकी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, और ये स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट करती है. और गाइज, अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो ये उसको भी ख़त्म कर देगी, क्योंकि टर्मरिक जो है बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर. और अगर किसी को हर्ट बर्न की शिकायत है तो ये उसको भी ख़त्म कर देती है. सो गाइज, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें. सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई चैनल. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप इन माई कॉमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू रिप्लाई. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.